एक जुमला इनकी फजीलत है। 13 साल की शिक्षा पास हुई और मेरे मौला हुसैन ने पूछा, बेटा मौत को कैसा समझते हो? मौत को जाग रहे ना, सुबह से बच्चे जोड़ में माशाल्लाह थके होंगे, लेकिन एक जुमला थकावट दूर करने के जरूरी है। शहजादा कासिम, बेटा ये बताओ मौत को कैसा समझते हो? पता क्या काम होगा, मैं कलम उठाने वालों, मैं जी सजाने वालों, मौला तुम्हारे जमाने सलावत की, ये माओ के दिल में हसरत होती है। क्या कहा था मौला हुसैन? कासिम बेटा ये बताओ मौत को कैसा समझते हो? जवाब क्या दिया कासिम को? अल मौत तो इन भी अहला मन असर, चाचा मौत मुझे शहर से ज्यादा मीठी। ये कहना आसान है, ये आल मोहम्मद के बच्चे हैं, ये गुलिस्तान फातिमा की कलियां हैं, जो मौत से आंखों में आकर जाल के बात करते नजर आते हैं। क्या था चाचा? मौत मुझे मैं से ज्यादा सीनी। सुनो ये पूछा, ये बेटा एक बार और बताऊं मैं, क्योंकि महजद शहादत में किस किस का नाम था? तो कासिम ने चाचा से पूछा कि चाचा ये बताइए कि मेरा नाम शहादत की लिस्ट में है? ये बहुत करबला जहां हम गुदार वाकया में, वहां ऐसे ऐसे दिलेरी शहादत के हमें मजा नजर आते हैं कि उन वाकया को सुन के जुमले को सुन जाए भाई अगराई लेने को दिल करता है। ये आज का जो करबला वाकया आपके मेरी वजह से नहीं है, हमारे मुल्क में तो अपने शियों में हालात ऐसे बदल गए कि अगर हम ये मौला के हवाले ना होती करबला तो लोगों ने खेत में दे दी तो क्या लगाई। लेकिन मौला ने कहा कि ये आजादानियों को जनाब फातिमा ज़हरा की दुआ है, मातमियों को मेरे मौला सैयद फातिमा ज़हरा की दुआ है, तो अब आप जो है किसी के मोहताज नहीं है, आप जो है हुसैन की मां जा रही, किसी परेशानी में मुबतला हो लीजिएगा। तो पूछा बेटा ये बताओ ये मौत को कैसा समझते? चाचा मौत मुझे शह से ज्यादा मीठी, शह से ज्यादा मीठी। अब पहले से शहादत का जो नाम पूछा कि मेरा नाम है, तो पता उसे ने क्या कहा? बेटा अली असलम का नाम भी है। आप तो माशाल्लाह 13 साल के ना, अब 6 महीने का हुआ करवा, इसका नाम भी है। कासिम ने एक जुमला कहा था, चाचा आपका क्या यजीद की फौज हमारे खेमों में आ जाएगी? तो हुसैन ने कहा था नहीं कासिम, मैं खुद असगर को हाथों में उठा के ले गया और वो काम असगर करके दिखाएगा कि जो बड़े बड़े मुजाहिद का नहीं होगा। एक सवाल पूछा था कासिम ने, ये जैसा क्या हम हक पे हैं? मेरा मौजूद है मैं हक कर दी, क्या हम हक पे हैं? एक मरतबा कासिम ने दादा अली वाली अगड़ाई ली, दादा अली वाली अगड़ाई ली और जुमला का जब मेरे मौला ने कहा हाँ हाँ हम पे हैं, कहा हाँ 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 कासिम हम हक पे हैं, पता था ना किसका पोता है किसका बेटा है, हम हक पे हैं। जब हम हक पे हैं, अब कासिम ने वही जुमला कहा जो दादा अली ने कहा था कि चाचा आका हुसैन अगर हम हक पे हैं, अब हमें इस बात की परवाह नहीं है कि मौत हम पे आ पड़े हम मौत में जा पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? मौत से डरना अली वालों की सेवा है। कासिम मैदान करबला जब इजाजत मिली, पहले तो इजाजत नहीं मिल रही थी, आप हुसैन के पास आते थे, मौला कहते थे कासिम बेटा जब तुम्हारे बाबा मुझे याद आते हैं मैं तुम्हें देखिए, कोई सूरत नहीं बनी, बस सहमत तमाम तैयारी करें, अगर वाकई रोना है अपने लिए हम ही रोटे 8 बजे तक अपन मौजूद पर चढ़ा कर रोटे दारो, अगर किसी को रोना आए गुनाहों की माफी मांग लेना, कुछ पता नहीं होता इस अदादार के पहलू में मेरा हसबैंड ला नहीं मांग रहा क्या पता पर्दे में जगह पे सकीना जगह पे सैयदा जगह पे जाना किस भी माँ पे हर किधर बैठी शर्मा नहीं है दादा, चंद मिनटों में ज्यादा बड़ा बुलाएंगे दादा, इंशाल्लाह ताला जरूर शान शौकत से निकलेगा, नज्म और ज़ब्त के साथ निकलेगा। इंतजामिया ने बहुत अच्छी इंतजाम किए हैं, इब्राहिम स्काउट के जमा शहीद पी स्कूल के जमा पुलिस के अहलकार ये पहले दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, मौला जी को खुद सा कबूल करे। जब आप जरूर से लेकर निकलेंगे सोलह कर साहब, मैं जाकर नहीं कहता हूँ, जब आप जरूर से लेकर यहाँ से निकलेंगे ना, आपके पीछे जरूर के पीछे एक काले बुर्के वाली बीवी आ रही है, वो कहती है आज मेरे हुसैन के मातम के साथ आज कासिम की बहन की बड़ा मदद होगी।
अदालों जब इजाजत ना मिली ना कासिम को तो माता गिरामी के पास गए। अम्मा अम्मा आपने रात कहा था ना मुझे जब मेरा शुरू किया कि बेटा मैं जैस मैं सैयद दर्दी नहीं हूँ मैं कदीर हूँ। आपने कहा था ना अम्मा एक शजाद को का सपना रह जाए। अम्मा मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दे लेते आप देख रहे हो स्वाद आपको फैसला करवा दूंगा इतने हमले करो ना सारे वो फिर जरा कुछ शर्मा परेशान हो गई कुछ याद आया कहने लगी आसिम बेटा तेरा सीधा वाला बाद में बैठा बाजू आगे किया ये देख इस पे ना एक इमाम जाम बैठा होगा तेरे बाबा ने दिया था खोल के देख ले खोल के देखा जा डालो कासिम ने जब पढ़ा उसे पता क्या लिखा था कासिम बेटा मैं नहीं हूंगा तेरी माँ जिंदा होगी एक ऐसा वक्त आएगा कि जब तेरा भाई करबला में फिर जाएगा अपनी जान हुसैन से ज्यादा पहले मत रखना अदालत को मैं फरमा ने आका हुसैन को बुलाया वाला हुसैन तशरीफ लाए बड़ी भाभी अदालत माँ की जगह होती है ना एक बार तबा उम्र फरमा ने कहा आका मैंने भाभी होने के नाते नहीं बुलाया मैंने आपको इमाम रोक से इसलिए बुलाया है क्या कहा क्योंकि मौला हुसैन से उम्र फरमा ने कहा आका ये बताइए कि शरीफ मसला पूछ रहे हैं कि आपके नाना की शरीयत में बेवकूफ कुर्बानी जायज नहीं है।